हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज हम फिर से आ गए हैं अपने एक नए चैलेंज के साथ। बेसिकली ये भी हमारा एक और रैंप है, जैसे कि आपको पता है पिछली बार भी हमने एक रैंप चैलेंज किया था, तो ये भी अपना एक और नया रैंप चैलेंज है। सो बेसिकली जैसे आप देख सकते हो ना, इसके अंदर क्या है कि आज हम सारी नई गाड़ियाँ ट्राई करेंगे, और ये पूरा रैंप है। ये जितना भी रैंप है, ये पहली बात तो स्लिपरी है, स्नो है इसके ऊपर थोड़ी सी, तो इस पर ग्रिप तो बनेगी नहीं। और आप देख सकते हो जैसे बीच में विंड मिल है, और लास्ट में एंड में जाके हमने यहाँ पे इनको लैंड करना है। तो ये पूरा एक रैंप है हमारा लंबा, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहीं से मैं वापस आपको ऊपर लेके जाता हूँ। बीच में एक्चुअली जो हर्डल्स हैं वो अपनी विंड मिल हैं, आप देख रहे हो। तो आज जितनी भी हमने कार्स ली हैं, बेसिकली सारी कार्स अपनी हैचबैक हैं। जितनी भी इंडियंस कार आपको पता होगा, हैचबैक जो छोटी कार होती हैं वो सारी कार्स हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। और ये भी आप देख रहे हो कि नारुतो आज गाड़ी चलाने वाला है। तो पहली कार जो होगी हमारी वो होगी क्विड। तो देखते हैं कि क्विड कैसा परफॉर्म करती है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। ये रैंप जो है वैसे तो मेरे को काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपका जो रैंप है इसमें ग्रिप आपकी बनना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको रैंप रहेगी ये वाली। तो चलिए देखते हैं, पहली गाड़ी जो अपनी है वो ट्राई करते हैं क्विड, और स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट करने के अंदर, मेरे को जहाँ तक लगता है। और बहुत ही मुश्किल भी लग रहा है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें गाड़ी धीरे चलानी है या स्लो करनी है। तो चलिए देखते हैं पहली गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस है इस रैंप के ऊपर, और इससे हमें थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। मैं अभी थोड़ा फास्ट ही लेके जाऊंगा। ओके, अरे नहीं यार, ये तो लैंड ही सही नहीं हुई। बट मेरे को लगता है कि मैं स्पीड अगर देता रहूं तो शायद मैं लुढ़क लुढ़क के ही पहुंच जाऊं। ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अरे नहीं यार, अभी फिर से मेरे को लग रहा है मेरे को ना इसमें थोड़ा स्पीड रोकनी नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, कोई नहीं, अगली कार में ट्राई करते हैं। अगली i20 है, तो i20 में मैं या तो अगर जैसे मैंने पिछली बार किया है कि इस फुल स्पीड में, मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा सा रुक के जाऊँ, क्योंकि तो फुल स्पीड में हुआ नहीं है अभी। अगर थोड़ा रुक के देख लूँ पहले। हाँ, रैंप यहीं है सामने, एक तो रैंप भी नहीं दिख रहा। ओके, अब मैं, अरे यार ये तो स्लो में लैंड सी नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चल रही है। अभी तक तो हम दो अपने चारों टायरों पे हैं, बट मेरे को लग नहीं रहा कि हमारे चारों टायर बचेंगे इसमें। अरे लो, बोनट उड़ गया इसका, बम्पर उड़ गया है। यार ये सीधी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है यार इस रैंप के ऊपर। ये तो मेरे को लग रहा है रैंप ही बहुत खतरनाक है। अरे नहीं यार, ठीक है, ये रैंप बहुत ही मुश्किल है गाइस, क्योंकि इसमें ग्रिप बिल्कुल भी नहीं बन रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही है। अगली गाड़ी हमारी टाटा एल्ट्रोज है, देखते हैं ये भी क्या कर पाती है, क्योंकि अब तो मेरे को बहुत मुश्किल रैंप लग रहा है। स्टार्टिंग में तो मेरे को लग रहा था कि फुल स्पीड में रेस लेके जाऊंगा और चाहे लुढ़कते लुढ़कते पहुंच जाऊंगा, बट अब तो मुश्किल लग रहा है। ओके यार, ये फर्स्ट टाइम में सीधी लैंड क्यों नहीं होती गाड़ियाँ, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। तो अरे 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 भाई, अरे यार लो, ये फर्स्ट टाइम में मेरे को लगता है अगर फर्स्ट टाइम में जब मेरी गाड़ी लैंड करे ना, और वो सीधी लैंड करे, तो शायद मे भी तो चांसेस है, क्योंकि एक मोमेंटम बन जाता है। बट अभी क्या है ना, मोमेंटम बन नहीं रहा हमारा। वो गाड़ी फर्स्ट टाइम में जब लैंड करती है तो डाउन हो जाती है। चलिए देखो अब बलेनो क्या करेगी। अरे तू तो सीधी लैंड हो जा। अरे नहीं, ये भी सीधी लैंड नहीं है। लो, इसके भी परखच्चे उड़ने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सारे गेट खुल चुके हैं इसके। ठीक है भाई, हो गया इसका भी, बट ठीक है, कोई नहीं, लुढ़क लुढ़क के जा रहे हैं, क्या पता लड़क लड़क के पहुंच ही जाए, रैंप ही कंप्लीट हो जाए हमारा। चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, लुढ़क लुढ़क के पूरा करते हैं। चलो देख, चलो अभी तक तो गाड़ी चल रही है, इंजन चल रहा है हमारा, ये अच्छी बात है, इंजन चल रहा है इतना ठुकने के बाद भी। बम्पर नहीं है, आगे का बम्पर नहीं है, पीछे का बम्पर नहीं है, गेट उड़ चुके हैं गाड़ी के। ठीक है,
नारुडा काफी अच्छी ड्राइविंग कर रहा है। ठीक है, अरे गाड़ी बंद हो गई। अरे गाड़ी ही बंद हो गई थी, मैंने ट्राई करा रेस देने का बट गाड़ी ही बंद हो गई यार। बट कोई नहीं, काफ़ी आगे तक आ गए। चलो कोई नहीं, अब दो गाड़ियाँ रह गई हैं, एक अपनी वैगन आर है और एक पंच है। वैगन आर से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब बाकी गाड़ियाँ कुछ नहीं कर पाई तो वैगन आर का भी मुश्किल है। ये 4 रुपये और पे कब गाड़ी लैंड होगी? चलो ठीक है कोई नहीं, फिर भी चल रही है गाड़ी। ठीक है कोई नहीं, बच गया विंड मिल से, जरा सा बचा, बाल बाल बचा विंड मिल से। चलो भाई इसके भी गेट खुल गए, डिग्गी खुल चुकी है, सारे गेट उठ चुके हैं, गाड़ी फुल घूमे जा रही है। चलो भाई विंड मिल लो भाई, यही रह गया था, गाड़ी में आग भी लग गई है, विंड मिल ने भी ठोक दिया मैंने। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, मेरे को लगता नहीं अब पंच भी कुछ करेगी, बट कुछ भी हो सकता है, लास्ट कार है, देखते हैं क्या होता है। मैं फुल स्पीड में ही लेके जाऊंगा, मेरे को नहीं लगता है यहाँ धीरे से कुछ काम होएगा। चल भाई चल यार, एक बार अगर गाड़ी पलट जाए ना इस रैंप पे तो ये, अरे अरे ये कैसे टकराई है, एक गाड़ी के अंदर से 3 गाड़ियाँ निकली हैं, इतनी जोर से टकराई है। चलो कोई नहीं गाइस, इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। ये तो हम खैर चैलेंज कंप्लीट कर नहीं पाए हैं, तो पुशअप्स ही कर लेते हैं, थोड़े पुशअप्स और सेटअप्स कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब यार, बहुत हेल्प होगी आपकी वजह से। तो ऐसी वीडियो मैं और बनाता रहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।